बाम्बू प्लांट के बारे में बात करते हैं। बाम्बू ट्री, बाम्बू ग्रास, बहुत लोग ट्री भी बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, वो एक्चुअली में ग्रास है, ठीक है ना। ट्री नहीं बोलते हैं इसको, ग्रास बोलते हैं, यानी बाम्बू ग्रास के अंतर्गत आता है। और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी है, और आगे देखेंगे सब फैमिली क्या हो जाती है। ये लिखा है बाम्बू स्वाइडी, तो फैमिली क्या हो जाएगी, पोएसी, मतलब ग्रास फैमिली के अंतर्गत ये आता है। इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा पौधा होता है जो पूरे अपने लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसको मोनोकार्पिक फ्लावर कहते हैं। इस पौधे की जो फ्लावरिंग होती है वो पूरे लाइफ टाइम में एक बार होती है, यानी एक बार फ्लावर देता है, फ्रूटिंग होती है, और ये पौधा डाई हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो इसमें वन बाई वन देखते हैं कि बम्बू जो प्लांट होता है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बम्बूसा वल्गैरिस है, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम। और इसकी फैमिली जो है वो पोएसी है, सब फैमिली जो है बम्बू स्वाइडी है। क्या है, सब फैमिली बम्बू स्वाइडी है। इसमें आप देखते हैं कि बम्बू इज नॉट ए ट्री बट ए ग्रास, ये ट्री नहीं है, देखने में बहुत बड़ा दिखता है, फिगर में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ये ट्री नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो एक्ट होते हैं कि कौन सा ट्री है, कौन से ग्रासेस के अंतर्गत आएंगे, या कौन से पेड़ को काटने पे क्या प्रतिबंध है, कितना जुर्माना लगता है, तो पहले इसको ट्री के अंतर्गत लिया जाता था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुए और इसको चेंज किया गया, और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको काटने से ये पेनल्टीज होती हैं। अब ये ग्रास के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसमें आप देखें कि बम्बू इज नॉट ए ट्री बट ग्रास। अब चूंकि ये क्या होता है कि मोनोकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक फ्लावरिंग होती है इसमें, यानी पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग होती है और पौधा उसके बाद डाई कर जाता है, यानी मोनोकार्पिक फ्लावरिंग का मतलब होता है फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये हो जाता है। अब ये जो फ्लावरिंग होती है वो लगभग 50 से 100 वर्ष के बाद ही होती है, ये छूट गया यहाँ पे, 50 से यानी 50 to 100 ईयर्स तक आफ्टर होता है, यानी जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स के बाद ही ऐसा होता है। आप देखेंगे गांव में या कहीं घूमते हुए जाते होंगे तो देखते होंगे बम्बू प्लांट्स खूब बढ़िया ग्रो किया है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये काटते रहते हैं लोग अगल बगल से, नए नए जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि फ्लावरिंग लेता है और फ्रूट बनाता है, फिर वो पूरा पूरा वो जो प्लांट होता है वो डाई कर जाता है, यानी सूख जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि मोनोकार्पिक फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये हो गया। अब ये 50 से 100 साल के बाद लगभग होता है। अब उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स इन डाई, बहुत सारा फ्लावर देता है, बहुत सुंदर दिखता है, फ्रूट बनाता है, उसके बाद सूख जाता है, पूरा पेड़ ही सूख जाता है, पेड़ मतलब पूरा जो बम्बू का प्लांट है वो पूरा पूरा सूख जाता है। ये ग्रास है, देखने से बड़ा लगता है इसलिए हमेशा ध्यान में आता है कि ये पेड़ है, ये एक प्रकार का ग्रास है और ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, पोएसी, और सब फैमिली क्या हो जाती है, बम्बू स्वाइडी। सबसे ज़रूरी है कि ये पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, ये ग्रास है बम्बू। तो इसके आप देखते हैं बहुत सारे यूज हैं, इस एक तरह से फर्नीचर बनाने में भी यूज होता है, और बहुत सारा एक तरह से ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाते हैं, घर बनाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, और एक तरह से जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसके बहुत सारी स्पीसीज हैं, जो छोटे कलर येलोइश जिसका स्टेम होता है वो सारे के सारे बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में आप देख सकते हैं उसका यूज करते हैं। तो ये आपका बम्बू प्लांट हो गया, यानी बम्बू प्लांट इसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वल्गैरिस, और इसकी फैमिली पोएसी, यानी ग्रास फैमिली जिसको कहते हैं, ये एक तरह से ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली जिसमें आप देखेंगे कि धान, गेहूँ यानी पैडी, वीट,
ये कॉर्न मेज, मतलब कॉर्न मेज, ये सारे के सारे आते हैं। और ये सब फैमिली इसमें आती है, बम्बू स्वाइडे। और बम्बू इज नॉट ए ट्री बट ग्रास, यानी बम्बू एक तरह से ग्रास है, ट्री नहीं है। मोनोकार्पिक फ्लावरिंग इसमें होती है, यानी फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। और ये जो फ्लावर आते हैं ये 50 से 100 वर्ष के बाद आते हैं, किसी किसी में 50 के बाद ही आ जाते हैं, किसी में 100 के बाद आते हैं। और इसीलिए ये क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनते हैं और पौधा डाई हो जाता है। तो ये आपका बम्बू प्लांट है।